जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी मेमोरी। नाउ स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज मेमोरी। सी, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, सो व्हाट एवर रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स, रॉ इंस्ट्रक्शंस और डाटा बी प्रोवाइड टू कंप्यूटर, फर्स्ट द इनपुट डिवाइसेस और इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स these raw facts or raw instructions into binary, right, binary data, and this binary data then is saved first, क्योंकि जब तक ये binary data या जो binary input data है ये save नहीं होगा तब तक computer cannot process this data। Therefore, ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर में डिजिटल इनपुट डाटा को स्टोर करती है ऑन अ टेम्पररी बेसिस और परमानेंट बेसिस, उसको ही क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। सो इफ दिस इज आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन तो आप ये जो है डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ मेमोरी से जो है 5 मार्कर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेमोरी और राइट व्हाट इज मेमोरी एक्सप्लेन। तो 5 मार्कर में फिर मेमोरी कैसे फंक्शन करती है वो भी हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। सो व्हाट इज मेमोरी, आप ये जो है डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट। सो मेमोरी रिफर्स टू द डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर डिजिटल इनपुट डाटा ऑन परमानेंट बेसिस और टेम्पररी बेसिस फॉर यूज इन द कंप्यूटर इज नोन एज मेमोरी, राइट। और मेमोरी कंप्यूटर का की कंपोनेंट होती है। अब मेमोरी की फंक्शनिंग को हम यहां पर समझते हैं। देखिए, जो मेमोरी यूनिट होती है, दिस मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, जिनको क्या कहा जाता है, लोकेशन कहा जाता है, और डाटा को इसी लोकेशन में स्टोर किया जाता है या क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, राइट। और जो ईच लोकेशन होती है, ईच लोकेशन कैन कंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, जिसको क्या कहते हैं, वर्ड लेंथ कहते हैं, विच मींस वर्ड लेंथ, राइट, विच मींस कि जो लोकेशन होती है, लोकेशन में, राइट, लोकेशन में स्पेसिफिक वर्ड लेंथ का या फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स का डाटा ही क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। और ये जो वर्ड लेंथ होती है ये 8 होती है, 16 होती है, 32 या 64 क्या होती है, बिट हो सकती है, विच मींस जो 64 बिट्स की जो है या 64 वर्ड लेंथ की जो मेमोरी है, राइट, या जो डाटा है वो लोकेशन में क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, या 8 जो वर्ड लेंथ है, राइट, उसका डाटा लोकेशन में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से जो मेमोरी यूनिट है उसमें डिफरेंट सेल्स होती हैं, उन सेल को क्या कहा जाता है, लोकेशन कहा जाता है, इसी लोकेशन में जो भी इनपुट डाटा है उसको सेव किया जाता है। और एवरी लोकेशन कैन कंटेन फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, जिनको क्या कहते हैं, वर्ड लेंथ कहते हैं। तो जो लोकेशन या तो 8 बिट का या 16 बिट का या 32 या 64 बिट का जो डाटा है वो क्या कर सकता है, जो है सेव कर सकता है, कंटेन कर सकता है। अब ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन में स्टोरिंग द डाटा इन द लोकेशन इज नोन एज राइट, राइट, ये क्या कहलाता है, राइट कहलाता है। और इस लोकेशन में जो डाटा सेव है उसको एक्सेस करना, राइट, उसको फेच करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है रीड कहलाता है। तो इस तरीके से लोकेशन में जो है या मेमोरी में डाटा सेव किया जाता है। साथ ही साथ जो ईच लोकेशन होती है, ईच लोकेशन इज आइडेंटिफाइड विद यूनिक लेवल, जिसको क्या कहा जाता है, एड्रेस कहा जाता है। तो ईच लोकेशन का क्या होता है, एड्रेस भी होता है, राइट, विच इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन, विच मीन्स दैट कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इसी एड्रेस को क्या करता है, ट्रैक करता है, राइट, और जो ट्रैक करता है और जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके द्वारा जो मेमोरी एड्रेस को क्या करता है, ट्रैक करता है, राइट। तो द CPU कीप्स ट्रैक द डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस थ्रू द यूज ऑफ मेमोरी एड्रेस। तो कंप्यूटर को जो भी प्रोसेस करना है उसके लिए जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को किससे, इसी मेमोरी एड्रेस के माध्यम से क्या करता है, ट्रैक करता है।
तो इस तरीके से लोकेशन में डाटा सेव होता है और फिर उस लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसके माध्यम से जो सीपीयू उस लोकेशन को क्या करता है या सभी लोकेशन को ट्रैक करता है और मेमोरी एड्रेस के माध्यम से ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के आधार पर क्या करता है, फिर वर्क करता है और डाटा को प्रोसेस करता है। तो ये इस तरीके से हम मेमोरी की बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि 3 मार्कर में आ जाए तो केवल डेफिनेशन, 5 मार्कर में आ जाए तो ये हमको पूरा का पूरा बताना है, राइट। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी रिफर्स, राइट, मेमोरी रिफर्स टू द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डिजिटल इनपुट डाटा और प्रोग्राम्स ऑन अ टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन कंप्यूटर, एंड मेमोरी इज द की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, राइट। यहां से हम जो है पूरा पूरा फंक्शनिंग को बता सकते हैं, राइट। द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स नोन एज लोकेशन, एंड ईच लोकेशन ऑफ मेमोरी कैन कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स नोन एज वर्ड लेंथ, और जो वर्ड लेंथ कैन बी ऑफ 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट, एंड स्टोरिंग द डाटा इन लोकेशन इज नोन एज राइट, एंड फेचिंग द डाटा और ऑब्टेनिंग द डाटा फ्रॉम द लोकेशन इज नोन एज रीड। नाउ ईच लोकेशन इज आइडेंटिफाइड विद यूनिक लेबल नोन एज एड्रेस, और इसी एड्रेस का यूज करके ही डाटा को स्टोर किया जाता है या इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। द सीपीयू कीप्स ट्रैक डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस थ्रू द यूज ऑफ मेमोरी एड्रेस। नाउ द टाइप्स ऑफ मेमोरी, राइट। सो जो मेमोरी है उसको मेनली 2 में क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। सो मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी जो मेमोरी है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है जिसको सीपीयू कैन इजीली कम्युनिकेट, राइट, जिसको इजीली क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। और चूंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस में स्टोर होती है इसलिए इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। देन अब जैसे जो इनपुट होता है, अब इनपुट डाटा यदि क्या है, इनपुट डाटा जो है वो कम है, इफ इनपुट डाटा, इनपुट डाटा इज लेस देन इट कैन बी इजीली सेव्ड इन प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। बट व्हेन वी प्रोवाइड ह्यूज डाटा, राइट, ह्यूज डाटा, सो ऑब्वियसली जो प्राइमरी या मेन मेमोरी की होती है ये कॉस्टली होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही लो होती है या मिनिमल होती है। देयरफॉर ह्यूज डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन प्राइमरी और मेन मेमोरी, राइट। फॉर दैट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, राइट, वो कंप्यूटर में क्या की जाती है, अवेलेबल होती है। तो सेकेंडरी और क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, राइट, और इसका यूज क्या होता है कि वेन एवर देर इज अ ह्यूज डाटा तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में या ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज बैकिंग स्टोर, क्लियर। तो कंप्यूटर को जब भी डाटा जो है प्रोसेस करना होता है, राइट, तो उस समय जो मेमोरी यूनिट होती है, राइट, द मेन मेमोरी रिफर्स टू मेमोरी यूनिट दैट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद आवर सिस्टम्स सीपीयू, राइट, और इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम के नाम से भी जाना जाता है। देन ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट, ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट, रिफर्स टू द मेमोरी यूनिट दैट हेल्प्स अस प्रोवाइडिंग बैकअप स्टोरेज, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो प्राइमरी या जो मेन मेमोरी होती है ये सीपीयू के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होती है जिससे कंप्यूटर कैन एक्सेस द डाटा इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम और उसको प्रोसेस कर देता है। वेन एवर वी हैव ह्यूज डाटा तो उसको बैकअप के लिए जो है ऑक्सिलरी या जो है सेकेंडरी मेमोरी में उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। Clear? So let's study primary memory. I would like to tell you here कि we have to study the storage devices as well, right? अब अगर हम देखें तो कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज
डिवाइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखें तो जो प्राइमरी जो मेमोरी है, राइट, प्राइमरी मेमोरी है, इसको हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं, और जो एक्सिलरी जितनी भी जो एक्सिलरी डिवाइसेस होती हैं उनको ही कंप्यूटर की क्या कहा जाता है, जो है स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। तो हम एक्सिलरी मेमोरी को जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ इन दिस लेक्चर यू हैव टू फोकस द प्राइमरी मेमोरी, राइट। तो यहाँ से 5 मार्कर का 11 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एक्सप्लेन, राइट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, इन सबको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स स्टडी प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, राइट। सी द प्राइमरी मेमोरी इज द डायरेक्ट मेमोरी विच इज एक्सेसिबल टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हमें पता है कि कंप्यूटर जो है डाटा को, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा किया जाता है, और सीपीयू के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, इसीलिए इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, राइट। दिस प्राइमरी मेमोरी हैज फास्टर एक्सेस टाइम देन सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर को डाटा प्रोसेस करना है तो ये फास्टर एक्सेस टाइम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी से होता है, राइट। बट राइट देन सेकेंडरी मेमोरी टाइम एंड इज फास्टर देन कैसे मेमोरी इन मेमोरी हायरार्की। तो जो मेमोरी हायरार्की होती है उसको हम आगे जाकर चढ़ेंगे, तो इसकी जो मेमोरी की जो स्पीड है वो कैसे मेमोरी से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, परंतु इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही क्या होती है, लोअर होती है, किससे, सेकेंडरी मेमोरी से। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी हैज फास्टर एक्सेस टाइम देन सेकेंडरी मेमोरी, बट प्राइमरी मेमोरी हैज अ लोअर शॉर्टेज कैपेसिटी देन सेकेंडरी मेमोरी, राइट। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और ये कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, विच मीन्स वेन द पावर इज ऑफ, राइट। ये कैसी होती है, वोलेटाइल होती है या अस्थाई होती है, नॉन टेम्पररी होती है, राइट। तो दिस इज वोलेटाइल और टेम्पररी एज सून एज द डिवाइस टर्न ऑफ और रिबूटेड, इसका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, राइट। और इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल रैम हो जाएगा और कैसे मेमोरी हो जाएगा, क्लियर। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी के बारे में अगर 5 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतने पॉइंट्स हम आसानी से लिख सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज द डायरेक्ट मेमोरी विच इज एक्सेसिबल टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड दिस हैज अ फास्टर एक्सेस टाइम देन सेकेंडरी मेमोरी एंड इज फास्टर देन कैश मेमोरी इन मेमोरी हायरार्की। दिस हैज स्टोरेज कैपेसिटी लोअर देन सेकेंडरी मेमोरी बट हायर देन कैश मेमोरी, और ये कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, विच मीन्स ये टेम्पररी होती है, एज सून एज जो डिवाइस है टर्न ऑफ होती है तो या रिबूट होती है तो ये क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है, राइट। प्राइमरी स्टोरेज कंप्राइजेज ओनली इंटरनल मेमोरी। कुल मिलाकर हम कंप्यूटर में जो भी फाइल पर वर्क करते हैं या जिस डाटा की रिक्वायरमेंट हमें एट द वर्किंग टाइम होती है वही किस में होता है, रैम में होता है। तो जैसे आप कोई फाइल को जो है प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस फाइल का डाटा किस में होगा, उस वोलेटाइल मेमोरी में या किस में होगा, रैम में होगा, राइट। बट जैसे ही आप डिवाइस को टर्न ऑफ करेंगे तो वो जो डाटा है आपकी फाइल का डाटा है वो जाकर किस में, सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो किसी भी फाइल जो है, कोई भी जो फाइल है वो सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी में क्या होती है, स्टोर होती है। बट जब आप उस पर वर्क करते हैं तो कंप्यूटर उसको फास्टर टाइम में या मिनिमम टाइम में उसको एक्सेस कर पाए, इसलिए सबसे पहले वो रैम में आती है, राइट। इसके एग्जांपल है रैम और क्या हो जाएगा, कैसे मेमोरी हो जाएगा, राइट। नाउ वी कैन क्लासिफाई द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इनटू 3। द फर्स्ट इज नॉन वोलेटाइल एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें पहली कौन सी हो जाएगी, वोलेटाइल हो जाएगी, जिसमें क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है। और अभी मैं बता रहा था कि कंप्यूटर पर जो भी
फाइल को आप क्या करते हैं, जिस भी फाइल पर वर्क करते हैं, कुल मिलाकर आप जिस भी डाटा को प्रोसेस करना चाह रहे हैं या जिस भी फाइल पर वर्क करते हैं वो रैम में आ जाता है, राइट, वो रैम में लोड होता है और उस पर आप जो है फिर वर्क करते हैं। जब वो रैम में होता है तो इसका एक्सेस टाइम मिनिमम होता है, इसलिए इजीली वो है डाटा प्रोसेस हो जाता है या आप उस फाइल पर वर्क कर पाते हैं। जब आपका आप उस फाइल को सेव कर देंगे या वो जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो जाकर किस में, ऑक्सिलरी मेमोरी में या फिर अनदर जो मेमोरी है उसमें जाकर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, राइट। नॉन वोलेटाइल मतलब ये कैसा होता है, परमानेंट होता है, राइट। दिस इज वोलेटाइल विच मीन्स टेम्पररी, व्हेन पावर इज ऑफ तो जो रैम का डाटा है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। बट ये नॉन वोलेटाइल होता है विच मीन्स रोम में जो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब किस में होते हैं, रोम में होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। ये जो है नॉन वोलेटाइल होता है, परमानेंट होता है। तो पर नॉन वोलेटाइल में रोम हो जाएगा, पी रोम हो जाएगा, ई पी रोम हो जाएगा और ई प्रोम हो जाएगा, राइट। रोम विच मीन्स क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, बट अगर हमको रिक्वायर पड़े तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसको क्या हो जाएगा कि जो प्रोग्राम हमने एक बार कर दिया है क्या वो इरोज हो सकता है, तो अगर वो हो सकता है तो उसको क्या कहेंगे, ईपीरोम कहेंगे। फिर जो ईपीरोम होता है वो है जो है यूवी रेस के द्वारा होता है, क्या उसको इलेक्ट्रॉनिक किया जा सकता है, तो उसको ईईप्रोम कहा जा सकता है। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैस। अब हम इनको वन बाई वन जो है समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीड ओनली मेमोरी या रोम, राइट। और रोम ही क्या होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। द रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है, राइट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वोलेटाइल होती है, और रीड ओनली मेमोरी जो कि नॉन वोलेटाइल होती है। देन यहाँ पर हमको रजिस्टर मेमोरी भी समझना है एंड कैश मेमोरी भी, या कैसे मेमोरी भी जो हमको समझना है। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीड ओनली मेमोरी या जिसको क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है। देखिए, एनी डाटा दैट डज नॉट नीड टू बी चेंज इज सेव्ड इन रोम। और इसमें मेनली जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ही क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, देर इज ए एप्लीकेशन और प्रोग्राम, यदि बाई चांस आपने उसको एडिट कर दिया तो फिर वो प्रोग्राम तो रन ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए जिस प्रोग्राम में कोई भी चेंज ना हो उसको इसमें सेव किया जाता है। तो एनी डाटा दैट डज नॉट नीड टू बी चेंज इज सेव्ड इन रोम एंड द रोम कंटेंस बोथ प्रोग्राम्स दैट रन द सिस्टम बूट्स अप, राइट। तो मेनली अभी मैंने बताया कि रोम में क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, बूट्स अप प्रोग्राम हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम भी कहते हैं। विच मीन्स वेन एवर यू ऑन द कंप्यूटर तो दैट इनिशियलाइजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा। तो जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो बूटअप प्रोग्राम होता है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा, सच एज जो एल्गोरिथम है, राइट, दैट रिक्वायर्स। तो जो एल्गोरिथम है उसको क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही तो आप क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे, राइट। तो जैसे बूटअप प्रोग्राम हो जाएगा, ये किस में होता है, रोम में होता है, और इसमें नथिंग कैन बी मॉडिफाइड और टेम्पर्ड इन द रोम, क्योंकि इसमें स्पेशली क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, जो कि कंप्यूटर के फंक्शनिंग के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं, एम रोम, पी रोम, ई रोम और ई पी रोम, राइट। सो एनी डाटा That does not need to be changed is saved in the ROM or read only memory and this memory contains both programs that run when the system boots up and data such as algorithm जो कि operating system के लिए क्या होता है, require होता है। Now हम one by one जो जितनी भी ROM है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला
एम रोम, जिसको क्या कहा जाता है, मास्क्ड रोम भी कहा जाता है। सी मास्क्ड रोम इज प्री प्रोग्राम्ड एंड हैंड रिटन रोम, और इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है, राइट। वंस जो भी डाटा है जो कि किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिक्वायर होता है, या एल्गोरिथम दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स उसके लिए होता है, या फिर जो बूटअप के लिए होता है, राइट, वो इसमें अगर हमने डाल दिया तो उसमें फिर कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है, राइट। तो एमरोम या मास्टर रोम इज अ प्री प्रोग्राम्ड एंड हैंड रिटन रोम, और एनी टेक्स्ट दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन रिटन, उसमें कोई भी चेंज इसमें नहीं किया जाता है। अब सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रोम हो जाएगा। अब देखिए, कंप्यूटर से हमको जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए अगर हमको उसमें कोई भी चेंज करना हो तो उसके लिए क्या कोई रास्ता है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोम होता है, राइट। प्रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें यूजर कैन चेंज द प्रोग्रामेबल रोम वंस, राइट, विच मीन्स दैट कि मार्केट से प्रोम को क्या किया जाता है, ब्लैंक प्रोम को क्या किया जाता है, परचेस किया जाता है। तो ये प्रोम कैसी होती है, ब्लैंक होती है, और जो यूजर होता है वो अकॉर्डिंग टू नीड उसमें प्रोग्राम को क्या करता है, राइट करता है, राइट। और वंस ही हैज रिटन उस ईप्रोम में, तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रोम में जो प्रोम होता है, राइट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल एक बार चेंज हो सकता है, राइट। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट, द यूजर कैन ओनली चेंज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वंस, राइट, देयरफॉर इट इज परचेस्ड ब्लैंक, राइट, अ ब्लैंक प्रोम इज परचेस्ड, और उसमें फिर यूजर डाटा को राइट करता है। देन क्या हो जाएगा, ई प्रोम, ई स्टैंड फॉर, राइट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अगर यूजर अगेन एंड अगेन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को परचेज करेगा, सो डेफिनेटली ही वुड हैव टू पे फॉर इट। तो क्या इससे मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि एक बार हमने जो है रोम को परचेज कर लिया तो उसमें ही हम डाटा को मॉडिफाई कर सकें, तो उसके लिए फिर एक नया जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट, रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि एक तो एम रोम होती है जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, फिर प्रोम को या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को वंस क्या किया जा सकता है, प्रोग्रामेबल किया जा सकता है, और इसमें जो भी डाटा होता है, राइट, द रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड बाय रिमूविंग द ओरिजिनल मटेरियल विच कैन बी डन बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन एंड द कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड। तो यदि ये जो ई प्रोम है उसको यूवी रेडिएशन में एक्सपोज कर दिया जाए तो इसमें से डाटा को इरोज भी किया जा सकता है और प्रोग्राम भी किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई प्रोम हो जाएगा। ई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट, द इनिशियल कंटेंट ऑफ एन इलेक्ट्रली, राइट, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम कैन बी मॉडिफाइड एंड इरेज्ड बाय द कंटेंट दैट कैन बी इजिली डिलीटेड इलेक्ट्रिकली। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ई प्रोम था इसको यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करने पर इसका डाटा इरेज होता था और फिर उसको हम प्रोग्राम कर सकते थे, बट ई प्रोग्राम को इजीली उसके ओरिजिनल मटेरियल को डिलीट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकली और उसको फिर प्रोग्रामेबल या उसको उसमें प्रोग्राम भी किया जा सकता है। सो इसके साथ बट इसमें एक लिमिटेशन, वो क्या है, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग एवरी वंस, वन वाइट कैन बी वाइप्ड एट अ टाइम, ओनली एक जो वाइट है उसको क्या किया जा सकता है, वाइप्ड किया जा सकता है एज अ रिजल्ट। यदि हमें उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है तो उसके लिए बहुत सारे टाइम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, या जिसको क्या कहा जाता है, रैम कहा जाता है,
राइट। तो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, आप जिस भी फाइल पर वर्क करेंगे वो फाइल रैम में क्या हो जाती है, लोड हो जाती है, राइट। तो एनी सिस्टम प्रोसेस दैट हैज टू बी एक्सिक्यूटेड इज पुट इनटू रैम, राइट। सो एनी सिस्टम प्रोसेस दैट हैज टू बी एक्सिक्यूटेड इज पुट इनटू रैम वेयर इट इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम किसी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट, जैसे ब्राउजर। सो इफ वी क्लिक ऑन एप्लीकेशन लाइक ब्राउजर, तो वो ब्राउजर सबसे पहले किस में लोड होगा, रैम में लोड होगा, और उसके बाद में, राइट, उसके बाद में हम उस ब्राउजर को क्या कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। जो रैम होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक डी रैम होता है और एक एस रैम होता है। तो ये भी फाइव मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज रैम। तो ये आप एक्सप्लेन करके उसके दो टाइप को भी लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, डी रैम, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैम। सो टू कीप डाटा डायनेमिक रैम और डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड एवरी फ्यू मिली सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो डी रैम है वो कैपेसिटर से और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हुई होती है, और जो कैपेसिटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और लीक करते हैं, जिस वजह से डी रैम को जो है, चूंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलीज करते हैं कौन, कैपेसिटर, इसलिए इसको जो है चार्ज किया जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। साथ ही साथ जो डी रैम है वो एस रैम की तुलना में क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए जो कॉमन कंप्यूटर्स होते हैं और सर्वर्स होते हैं उनमें डी रैम का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो एस रैम है, राइट, सिस्टम जब भी क्या होता है पावर ऑन होता है तो एस रैम को जो है रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज एस रैम स्टोर्स अ बिट यूजिंग राइट सीक्वेंशियल सर्किट्स, और सीक्वेंशियल सर्किट से चूंकि इसमें स्टोर किया जाता है इसीलिए इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट जो एस रैम है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। क्लियर? तो सिंपल इनमें क्या है डिफरेंस है, जो डी रैम है या जिसको क्या कहा जाता है, डायनेमिक रैम कहा जाता है, तो डायनेमिक रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि जो डी रैम है, डी रैम इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, जिसमें से जो कैपेसिटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलीज करते हैं, हैंस जो डी रैम है उसको चार्ज किया जाता है रेगुलर बेसिस पर। बट चूंकि दिस इज लेस एक्सपेंसिव देन एस रैम, देयरफोर इसका यूज कॉमनली कंप्यूटर्स में किया जाता है, बट ये इसको रेगुलर बेसिस पर चार्ज किया जाता है। बट जब कभी भी हमको स्पीड की जरूरत होती है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, एस रैम का प्रयोग किया जाता है, बिकॉज एस रैम स्टोर्स अ बिट यूजिंग सीक्वेंशियल सर्किट, राइट, सिमिलर टू फ्लिप फ्लॉप, सो देयरफोर इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, देयरफोर इसकी जो स्पीड है वो काफी क्या होती, अच्छी होती है, इसलिए व्हेनेवर द स्पीड इज क्रिटिकल एस रैम इज यूज्ड। नाउ ये क्वेश्चन हमसे जो है फाइव मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट, व्हाई इज प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल क्यों होती है, इसको हालांकि मैंने आपको अभी जो है थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर। सी देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एस रैम में, सॉरी रैम में या रोम में अगर उसको सेव किया जाएगा तो वो वोलेटाइल होगी, तो वही हमको यहाँ पर समझना है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रैम और रोम, इसका जो कंटेंट है वो वैनिश हो सकता है जब क्या हो जाए, पावर चली जाए, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन वेदर प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रैम और रोम इट कंटेंट्स मे और मे नॉट वैनिश व्हेन पावर इज लॉस्ट। इसमें से भी हमने देखा था कि रीड ओनली मेमोरी या रोम, रोम्स कंटेंट इज नॉन वोलेटाइल, विच मींस कि जो रोम में जो डाटा होता है, राइट, वो इरेज नहीं होता है व्हेन द पावर इज ऑफ और पावर इज लॉस्ट। बट जो रैम है, रैम का जो कंटेंट है वो वोलेटाइल होता है, मीनिंग इट वैनिशेस व्हेन द पावर फेल्स और क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, राइट।
अगर हम देखें तो जो रैम है इसको ही जनरली क्या माना जाता है, प्राइमरी मेमोरी माना जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल इन नेचर भी कहा जाता है। देन लेट्स टॉक अबाउट रजिस्टर मेमोरी। देखिए रजिस्टर मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द CPU, राइट। सो रजिस्टर मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द CPU, एंड CPU कैन ओनली प्रोसेस द डाटा जो कि किस में होता है, रजिस्टर में होता है, राइट। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। तो द CPU कैन ओनली प्रोसेस द डाटा विच इज इन रजिस्टर, देयरफॉर दिस इज नोन एज वर्किंग मेमोरी, एंड इट इज द प्राइमरी मेमोरी जिसकी स्पीड क्या होती है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है। इट हैज एक्सेस टाइम 1 to 2 nanoseconds। तो 1 second में या 2 nanoseconds में कंप्यूटर और CPU कैन एक्सेस द रजिस्टर मेमोरी। देन कैसे मेमोरी, अब कैसे मेमोरी क्या होती है, देखिए जब आप किसी भी फाइल पर जो है वर्क करते हैं तो उससे रिक्वायर्ड जो भी डाटा होता है उसको सबसे पहले तो कहाँ पर होगा, वो रजिस्टर मेमोरी में होगा। अब रजिस्टर मेमोरी में भी वो अगर जो है उसका ह्यूज स्टोरेज है तो वो कहाँ पर चला जाता है, कैसे मेमोरी में चला जाता है, ताकि अगेन जो टाइम लैग है वो ना हो पाए, राइट। तो इसीलिए किसका यूज किया जाता है, कैसे मेमोरी का यूज किया जाता है, राइट। सो द कंटेंट और डाटा ऑफ मेन मेमोरी दैट द CPU यूजेस frequently are stored in the cache memory, ये इसकी क्या है, definition है। So the content or data of the main memory that CPU uses frequently are stored in the cache memory, and it is done so that systems जो processor है वो can access the data easily in a shorter time. See, whenever CPU requires memory accessing, इट चेक्स द रिक्वायर्ड डाटा फर्स्ट इन द कैसे मेमोरी, राइट। तो सबसे पहले जो CPU है वो कैसे मेमोरी में ही उस डाटा को क्या करता है, चेक करता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन द सिस्टम्स कैसे मेमोरी देन इट इज रीड फ्रॉम द फर्स्ट मेमोरी, एल्स द CPU वुड मूव ऑन टू द मेन मेमोरी इन ऑर्डर टू फाइंड द रिक्वायर्ड डाटा। और इसका एक्सेस टाइम कितना होता है, 2 to 10 nanoseconds होता है। तो सबसे कम किसका होता है, रजिस्टर मेमोरी का होता है 1 to 2 nanoseconds, फिर किसका होता है, कैसे मेमोरी, राइट, जिसको या कैसे मेमोरी में वह डाटा होता है जिसको CPU फ्रिक्वेंटली यूज करता है, इसका एक्सेस टाइम 2 to 10 क्या होता है, nanoseconds होता है। अब अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी जो है 5 marker में पूछा जा सकता है, why does कैसे मेमोरी कम इंटू एग्जिस्टेंस, या जो कैसो मेमोरी है उसका यूज क्यों किया जाता है। सो वेन डज कैसो मेमोरी कम इंटू एग्जिस्टेंस, सो उसका आंसर अभी हमने समझा है। तो देखिए द डाटा प्रेजेंट इन प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड फास्टर देन डाटा इन सेकेंडरी मेमोरी, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे फास्टर टाइम में डाटा को प्राइमरी मेमोरी में क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, राइट। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, इसमें हम ह्यूज डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे हमने मान लिया कि कोई डाटा जो है ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी में है और हम उसको अगेन एंड अगेन उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम उस डाटा को अगेन एंड अगेन एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, टाइम लैग होगा। क्यों, क्योंकि जो CPU है CPU नैनो सेकेंड में वर्क करता है और हम उस डाटा को कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी से यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए टाइम लैग होगा। और इस टाइम लैग को टाइम लैग की वजह से CPU की जो है कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज हो जाती है। इसीलिए जो टाइम गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए कैसे मेमोरी का जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, कैसे मेमोरी का यूज किया जाता है। सो सिंपली हम लिख सकते हैं द डाटा प्रेजेंट इन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस फास्टर देन डाटा इन सेकेंडरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम आर टिपिकली इन माइक्रो सेकेंड्स,
whereas the CPU can do operations in nanoseconds. So the system's performance suffers as a result of time lag between reading data and acting on it, and the CPU is underutilized, right? It may sit idle for some time. So to reduce the time gap, a new memory segment known as cache memory was introduced. Clear? अब as I told you कि हम जो upcoming lecture है उसमें secondary memory को पढ़ेंगे, तो let's study the measurement of memory in computer, right? तो secondary memory को हम बाद में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो समय बचा हुआ है उसमें हम जो है मेमोरी को कैसे मेजर किया जाता है वो और समझ लेते हैं. तो मेमोरी, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, द फर्स्ट इज बिट. तो देखिए, बिट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट. तो बाइनरी डिजिट का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? बिट ही होता है. एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. द वैल्यू ऑफ अ बिट इज एक्सप्रेस्ड एज 0 और 1. यदि 0 है तो विच मीन्स ऑफ, एंड 1 है तो विच मीन्स क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. तो वैल्यू ऑफ अ बिट इज एक्सप्रेस्ड एज 0 और 1, और ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होता है. एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं. देयर आर 8 बिट्स. तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, विच मीन्स जो 256 कैरेक्टर्स जो हैं वो एक बाइट में होते हैं. अब निबल क्या होता है? तो देखिए, जो 4 बिट्स है या हाफ अ बाइट को ही क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है, राइट? तो 4 बाइट्स कंप्राइज अ निबल. देन क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा. तो 8 बिट और अ ग्रुप ऑफ 2 निबल्स. क्लियर? सो 8 बिट्स और अ ग्रुप ऑफ 2 निबल्स इज नोन एज बाइट, राइट? एंड एट लीस्ट 8 bits or 1 byte is required to represent a letter, right? Or character in computer memory. तो computer memory में किसी भी एक letter को, एक character को represent करने के लिए 8 bits क्या होते हैं या 1 byte क्या होता है? Required होता है. और computer memory को mainly byte में ही measure किया जाता है. Here is the table. हो सकता है आपसे कभी 3 marker में पूछ ले, इसलिए आप याद रखें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी हो जाएगी? बिट हो जाएगी. तो कंप्यूटर मेमोरी की, राइट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज द बिट, राइट? फिर जब 4 बिट, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट, तो उसको ही क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है. तो ग्रुप ऑफ 4 बिट 1 निबल, एंड ग्रुप ऑफ 8 बिट्स और ग्रुप ऑफ 2 निबल्स. तो ग्रुप ऑफ 2 निबल्स और ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, उसको ही क्या कहा जाता है? 1 बाइट कहा जाता है. अब 1 केबी, केबी को क्या कहा जाता है? किलो बाइट. सो 1 किलो बाइट इज इक्वल्स टू 1024, क्या हो जाएगा? ये बाइट्स हो जाएगा, राइट? तो 1 केबी इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स हो जाएगा. फिर 1025 अगर केबी हो तो वो क्या बन जाता है? 1 MB बन जाता है. तो ये अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए एमबी का मतलब क्या हुआ, तो देखिए 1 KB में 1024 क्या होते हैं? बाइट्स होते हैं. और 1 MB में 1024 क्या होते हैं? केबी होते हैं. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1,048,576 क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा. विच मीन्स 1 मिलियन क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा. तो 1 MB में 1 मिलियन क्या होते हैं? बाइट्स होते हैं. अब 1 GB में कितने होते हैं? 1024 मेगाबाइट्स होते हैं. फिर 1 TB में 1024 क्या होते हैं? गीगाबाइट्स होते हैं. 1 PB में 1024 क्या होते हैं? टेराबाइट्स होते हैं. 1 EB में 1024 क्या होते हैं? पेटाबाइट्स होते हैं. फिर 1 ZB में, राइट, 1024 क्या होता है? एक्साबाइट होता है. और 1 YB में 1024 क्या होता है? जेटाबाइट होता है, राइट? नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी एज अ इंट्रोडक्शन. सी, दिस टाइप ऑफ स्टोरेज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डायरेक्ट जो है एक्सेस नहीं होती है. द इनपुट एंड आउटपुट चैनल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट
द इनपुट और आउटपुट चैनल्स आर यूज टू कनेक्ट सच स्टोरेज डिवाइसेस टू द कंप्यूटर एज दे मेनली एक्सटर्नल, राइट। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है, विच मीन्स इसमें जो भी डाटा होता है वो लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने पर भी जो है इरेज नहीं होता है। साथ ही साथ दिस हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेरिजन टू प्राइमरी स्टोरेज, राइट। इसमें डाटा कैसा होता है? परमानेंट होता है अंटिल उसको रिमूव ना किया जाए, राइट। इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेमोरी, विच मीन्स दैट कि इंटरनल तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर में होती ही है, एक्सटर्नली भी इसको ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम और भी अच्छे से अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी हायरार्की। ये भी जो है 5 मार्कर में या 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। देखिए, द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 मेजर हायरार्कीज दैट आर बेस्ड ऑन द यूज एज वेल एज स्पीड। देखिए, कंप्यूटर सीपीयू की जो स्पीड होती है वो नैनो सेकेंड्स होती है, और कंप्यूटर इन 5 मेजर हायरार्कीज के आधार पर मेमोरी को क्या करता है? एक्सेस करता है। सो द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 मेजर हायरार्कीज दैट आर बेस्ड ऑन यूज एज वेल एज द स्पीड, राइट। अ प्रोसेसर कैन इजिली मूव फ्रॉम 1 लेवल टू सम अदर लेवल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, राइट। और जो 5 हायरार्कीज हैं उसमें सबसे पहला क्या होता है? रजिस्टर मेमोरी होता है, जिसका एक्सेस टाइम कितना होता है? 1 to 2 नैनोमीटर होता है। 1 या 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? नैनो सेकेंड हो जाएगा। फिर कैसे मेमोरी हो जाएगा? 2 से कितना होता है? 10 नैनोसेकेंड इसका एक्सेस टाइम होता है। उसके बाद में क्या आती है? मेन मेमोरी आती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिक डिस्क आएगी, राइट। और फिर उसके बाद में क्या आएगा? मैग्नेटिक टेप, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये पूरी हो जाएगी। सबसे पहले जो है रजिस्टर, देन कैसे मेमोरी, देन रोम या क्या हो जाएगी यहां पर? रैम, जिसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी, या इसको ही क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। देन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा, फिर ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा यहां पर? मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इस तरीके से क्या होती है? इंक्रीज होती है, विच मीन्स दैट कि जो रजिस्टर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मिनिमल होती है, तो वहीं मैग्नेटिक टेप की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर हम एक्सेस टाइम की बात करते हैं तो वो इस तरीके से होता है, राइट। सीपीयू कैन एक्सेस रजिस्टर मेमोरी फर्स्ट, तो रजिस्टर मेमोरी को 1 से 2 नैनोसेकेंड में ही क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। कैसे मेमोरी को? 2 से 10 नैनोसेकेंड में जो है एक्सेस कर सकता है। उसके बाद में कंप्यूटर जो है रोम को या रैम को, या हम कह सकते हैं कि जो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है उसको एक्सेस करता है, फिर मैग्नेटिक डिस्क को एक्सेस कर सकता है, फिर ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेप को, विच मीन्स जो एक्सेस टाइम है वो इस तरीके से क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहाँ पर एक्सेस टाइम मिनिमम होता है और एक्सेस टाइम यहाँ पर मैक्सिमम होता है। और इन तीनों को क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। अब अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस मोर किसका होता है? रजिस्टर मेमोरी का। रजिस्टर मेमोरी इज एक्सपेंसिव, तो जो मैग्नेटिक टेप है ये लो प्राइस का होता है, राइट। फिर ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, जो रैम रोम है, कैसे मेमोरी है, और फिर रजिस्टर मेमोरी सबसे ज़्यादा क्या होती है? कॉस्टली होती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो एक्सपीड जो स्पीड है वो रजिस्टर मेमोरी की सबसे अच्छी होती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड, राइट, इन दिस वे वी हैव स्टडीड दिस लेक्चर। नाउ वी विल मीट इन अपकमिंग लेक्चर। टिल देन थैंक यू।